was dead. In fact, मुझे murdered कहना चाहिए. Murdered in our own watch, in our own safe house. वो सेफ हाउस जहाँ पे सिर्फ हमारे ऑफिसर्स जा सकते हैं और कोई नहीं. उस सेफ हाउस में उसके खाने में जहर मिला के उसे इतनी आसानी से मार दिया गया कि हाउ. आरती, लोना की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुम फेल हो चुकी हो. And trust me, there will be an inquiry. हम सारे प्रिकॉशंस लेने की कोशिश. What precautions? तो वो मर कैसे गया? हमसे लैप्स ऑफ जजमेंट हुआ है. आई कंप्लीटली अग्री एंड वी आर क्वाइट एम्बैरस्ड. पर कम से कम नोला की वाइफ लीमा हमारी कस्टडी में एंड एटलीस्ट वी कैन क्वेश्चन हर. और तुम ये कैसे कह सकती हो कि लीमा ने ही नोला का मर्डर किया है? ये भी तो हो सकता है कि हमारा कोई ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हो. मैं पहले हर उस ऑफिसर को इंटरोगेट करना चाहता हूँ जो नोला के केस से इन्वॉल्व था. ओके? और क्या सवाल पूछना चाहती हो तुम उसकी वाइफ से? He is dead, Nola is dead, don't you get it? People are questioning us. Calm down, Nadkarni. Nola is dead, and this is a bad news. But the good news is, उसके मरने से पहले पार्वती ने ये पता लगा लिया था कि Nola was involved in selling of arms and using hawala routes, which I think is very, very commendable. Both of you, follow me. Please carry on. Home Minister se phone tha about the hawala case. Atul? Yes, ma'am. Next. 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 Pause. Delhi mein ek accident hua tha. Through that accident, the cops got to know about the hawala network. Unhone bahut, bahut paise recover kiye hain. Itne sare. Unhone us car ki driver aur accomplice ko bhi pakad liya hai. Parvati, main chahti hoon ki ye case tum handle karo. I want you in Delhi first thing in the morning. Okay? Chief, मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है. Should I get on to it now? Of course. Atul. Yes, ma'am. POK का जो इमेज मैंने मंगवाया था. Yes, ma'am. मुझे भेजो. Okay, ma'am. Sorry, Chief. मुझे लगता है ये बहुत sensitive issue है, इसलिए मुझे personally handle करना चाहिए. Nola का murder case उससे भी ज़्यादा sensitive है. Important भी. Government does not want North East की insurgency दोबारा शुरू हो जाए. इसीलिए वो इस मर्डर पे खास इंटरेस्ट ले रहे हैं. नोलाज मर्डर केस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर अस. और मैं चाहती हूँ आप जैसा एक्सपीरियंस्ड इंसान उसमें रहे, ना कि वहाँ. गॉट इट? यस जी. और हाँ नदकर्णी, वो पार्वती का जाने का कुछ कर लो. ऑनर चीफ. सर, आई डोंट नो व्हाट टू डू. मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, ट्रस्ट मी. मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है. और अगर इंक्वायरी हो रही है तो अच्छा ही है, इंक्वायरी होने दो, सच्चाई सामने आने दो. नोला के पत्नी ने अगर उसे मारा है तो शी विल बी सर्व जस्टिस. ओके? और आशा, प्लीज रोना बंद करो. फोन से मैं तुम्हें टिश्यू नहीं दे सकता. सर, आई न्यू इट कि आप मुझ पर भरोसा करते हो. ऑफ कोर्स तुम पे करूंगा, तुम मेरी टीम की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो. Take care of yourself. And Asha, मुझे अपडेट करना भूलना नहीं. Okay? Yes, sir. Bye, take care. सर, मेरा पति मर गया. मैं उससे बहुत प्यार करती थी और आप लोग मुझ पर दोष डाल रहे हैं. आपको जाके मेरे पति के कातिल को ढूंढना चाहिए और यहाँ बिठा के मुझसे पूछ रहे हो आप. मैं जानता हूँ कि 12 साल पहले जेल जाने से पहले नोला और कितनी औरतों के साथ था और कैसे वो तुम्हें टॉर्चर करता था. 12 साल से ये जो तुम अपनी अय्याशी की जिंदगी जी रही हो ना, क्योंकि तुम जानती हो कि नोला जेल में है. और जैसे ही तुम्हें पता चला कि नोला जेल से निकलने वाला है, तुमने सोचा तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम नोला का मर्डर कर दो. सर, अगर आपकी बात मान लेना तो सारी वाइफ ना अपने पति का मर्डर कर दे, क्योंकि हजारों पति अपनी वाइफ को टॉर्चर करते हैं. एक लड़की का जन्म तो जुल्म सहने के लिए हुआ है,
इसका मतलब सब सब अपने पति को मार दे। बातें घुमाने से कुछ नहीं होगा। मैं उसे जिंदा छोड़ के गई थी, आप लोग की कस्टडी में था मेरा पति जब मरा। मुझे तो लगता है आप में से किसी ने मारा या सबने मिलकर मेरे पति को मारा है। आखिरी बार नौला से तुम मिली थी और तुम्हारे जाने के बाद वो तड़प तड़प के मर गया। मुझे बताओ तुमने कैसे और क्यों मारा नौला को? क्यों? रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रवि, मम्मा का फोन है, बताना पड़ेगा ना तुमको। हेलो मम्मा। शिल्पा, वेयर आर यू? हूँ, क्या हुआ? क्या क्या हुआ, कितने दिनों से गायब हो? घर पे हूँ मम्मा। आपको बताया था ना, वो थोड़े दिन पहले जो किचन की पाइप बस्ट हो गई थी, वो सारा झमेला थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ, फिर कल पूरा दिन लाइट नहीं थी। अब आज फिर से प्लम्बर को बुलाया, पता लगा थोड़ी और प्रॉब्लम हो गई है। पूरा घर स्विमिंग पूल बना हुआ है, सो टाइड अप विद ऑल दैट मम्मा। तो फिर एक काम कर, किसी अच्छे प्लम्बर को बुला और इसे ठीक करवा। बुलाया था ना रवि के फेवरेट राजू प्लम्बर को, आई थिंक उसी ने ज़्यादा बिगाड़ दिया, पर अभी ठीक कर रहे हैं। वो एक और किसी आदमी को साथ लाया, कुछ कर रहे हैं अभी, सब चल रहा है काम मम्मा। अरे तो फिर रवि किधर है? रवि कहाँ होंगे, अपने मौसम विभाग को संभाल रहे हैं। बाय मम्मा, लव यू। घबरा गए थे ना तुम? अच्छा, तुम्हें लगा था मैं मम्मा को सब कुछ बता दूंगी। बिल्कुल नहीं रवि, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, रिलैक्स। फ्रूट खाओ भी तुम चुपचाप बैठ के। तुम अभी, अगर पता होता कि गोली खाने के बाद इतने प्यार से फ्रूट्स खाने मिलेंगे, गोली पहले ही खा ले। रवि, दिस इज नॉट फनी यार, तुम ये हर बात में मजाक मत किया करो। यू हैव एनी आइडिया कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था मेरे लिए? सॉरी सॉरी, मूड खराब मत कर। मूड खराब ये कोई बात है मजाक करने की? नहीं करूंगा मजाक, सॉरी शिल्पू। प्लीज मत बोलना ये दोबारा। अच्छा फ्रूट्स बस हो गए, मुझे और एप्पल नहीं खाने यार, इधर आना। नहीं आऊंगी, नाराज हूं तुमसे। सुन ना प्लीज, सॉरी, आ जाना मेरे पास आके बैठ, प्लीज आ जा। चाकू छोड़ के बैठ। बोलो। थैंक यू, कितने कन्विंसिंगली झूठ बोलती है। तुमसे सीखा रवि। इतनी तकलीफ थी तुझे, 2 मिनट प्यार से बैठ के बात भी करने नहीं मिला ना। तुम लेटे रहो, एक बात पूछूं? कुछ भी पूछो। तुमने अब तक कितनी बुलेट्स फायर की होंगी? क्यों? मतलब तुमने कितने टेररिस्ट को मारा होगा? अरे हम लोग देश के लिए जान लेते हैं और कभी कभी लेना भी पड़ता है, वो सेल्फ डिफेंस पे फायर करते हैं। अभी ऐसे मौके पे कौन गिनता है कि कितनी बार बुलेट्स फायर किया, कितने बुलेट्स फायर किए, किस पर किया? रवि, यू नो समथिंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। कितना प्राउड? बताना कितना प्राउड। बताती हूँ, ड्रॉप टोला, सॉरी सॉरी सॉरी। हाउ आर यू? मैं ठीक हो ही रहा था, आप आ गए। मानकड़ी जी, मुझे आपसे मेरी फ्लाइट टिकट की बात करनी है। गिव मी अ मिनट। बताओ क्या बात करनी थी टिकट्स के बारे में? मेरी टिकट सुबह 3:45 की है। हाँ तो आज ही तो जाना है तुम्हें दिल्ली। मैं सुबह 5:45 पहुंचूंगी वहां। हाँ तो कल ही तो पहुंचना है तुम्हें दिल्ली। व्हाट्स द इशू? नाटकर्णी जी, पूरी रात बिना सोए सुबह जाके सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट भी करना है। सो
मैं अपने आप को समझा नहीं पा रही हूँ या आप मुझे समझना चाह नहीं रहे हैं? मैं सब अच्छे से समझ रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कल फ्लाइट फ्लाई करनी है? नहीं ना, तो फिर आराम से फ्लाइट में सोना, व्हाट्स द प्रॉब्लम? 7 बजे की फ्लाइट है सुबह की, मैं वो क्यों नहीं ले सकती हूँ? नो नो मतलब व्हाई नॉट? बिकॉज उस फ्लाइट का फेयर बहुत हाई है और एज यू नो आजकल कॉस्ट कटिंग चल रही है और हम लोग बजट्स आर टू लो, सो वैसे भी हमारे सक्सेस रेट सिर्फ 15% है, सो दैट्स द बेस्ट आई कैन डू। ठीक है, आप मेरे लिए एक डिसेंट सा होटल करा दीजिए जहाँ जाके फ्रेशन अप हो सकूँ एटलीस्ट। पर तुम्हारे पास उतना वक्त कहाँ होगा पार्वती? आई मीन एयरपोर्ट के वॉशरूम्स आर वेरी गुड, अगर तुम्हें वो समझ में नहीं आते तो यू के नज़दीक के किसी पुलिस स्टेशन में जाके फ्रेशन अप, विल सेव ऑन टाइम। देखो अगर तुम सुबह 6 बजे इंटरोगेशन शुरू करोगी ना, तो आई एम श्योर कि तुम रात तक तो यू विल बी बैक इन बॉम्बे रिटर्न। रात तक बैक मतलब? एक सेकेंड, आप क्या कितने बजे की फ्लाइट बोल रहे हैं? आई एम नॉट सेइंग 2:45 AM की नहीं है, 12:45 AM की है। दैट्स नॉट बैड, इट्स नॉट दैट लेट। 12:45 AM? या 12:45 AM। अरे अरे What are you doing? Any other queries? सब फर्स्ट क्लास है, थैंक यू। आशा। हेलो मैम। क्या लोगे, चाय, कॉफी, ग्रीन टी? मैम टी। टी? आशा इंक्वायरी होने वाली है और उसमें पता चलेगा कि नोला का मर्डर कैसे हुआ, बट मुझे नहीं समझ आई एक बात कि ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? व्हाई डिड यू गेट सो पर्सनल? हमें ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज़ तो यही सिखाई जाती है ना कि किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, काम को काम तक रखना है। फिर तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? आई रिमेंबर मैम, आई टोटली रिमेंबर। यू रिमेंबर योर लेसन्स? Then? उस टाइम पे पता नहीं मैं ये कैसे भूल गई, उसने मेरे इतने लोगों को मारा था और उसको उस बात की ज़रा सा भी रिमोर्स नहीं था। तभी तो वो क्रिमिनल है ना, अगर उसे रिमोर्स होता तो वो क्रिमिनल थोड़ी ना होता। बट यू आर नॉट लाइक दैट, नो, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। तुम वैसी नहीं हो, तुम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, राइट? एंड आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, क्या कुछ बीता है तुम पे, मैं समझती हूँ तुम्हारी मुश्किल, बट ट्रस्ट मी, जो नाट करनी है ना वो तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ाने वाला है। सो यू हैव टू रिमेंबर योर प्रिंसिपल्स नाउ, यू हैव अ लॉन्ग करियर इन फ्रंट ऑफ यू, सही डिसीजंस लेना है अब, एंड हेल्प अस इन द इंक्वायरी, इट विल हेल्प यू। लाड़की लेकर आज तक हर बार हमारी समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं देता था, अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देश की मुख्य धारा से जुड़ना है और देश की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा? वोट देना होगा। और वोट किसको दोगे? नाना को वोट नहीं देने का है, नाना नहीं खड़ा रहने वाला इलेक्शन में। इलेक्शन में आपको जो अच्छा लगता है उसको वोट दो, उसको अपने समाज से अपने गांव से खड़ा रखो। तो अब जब परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है? आज हमारे ही आदिवासी समाज की एक महिला देश की राष्ट्रपति बन गई है, देश के सर्वोच्च पद पे बैठी है कि नहीं? कैसे बैठी है? आप सबके वोट देने की वजह से। वोट डालने से हम हमारा प्रतिनिधि सरकार में भेजेंगे,
जो हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएगा, तो सब लोग वोट करेंगे ना। अरे अपने नाना से प्यार करते हो ना, तो जो नाना से करे प्यार वो वोटिंग से कैसे करे इनकार। बोला तरमग नाना साहेब जय हो, नाना साहेबान साहब जय हो, हम नाना जिंदाबाद, हम नाना जिंदाबाद, हम नाना नाना। एक क्वेश्चन, यहाँ पर चुनाव तो हो नहीं पाते और चुनाव होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब भी होते हैं नक्सली एक्टिविटी के कारण लोग डर के मारे घर में बैठ जाते हैं। यही बदलना है, यही परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन तभी आएगा जब यह आदिवासी समाज जो है वो अपनी आवाज उठाएगा, और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए अपना प्रतिनिधि सरकार में भेजना पड़ेगा। और यही मैं लोगों को समझा रहा हूं कि आप अपना प्रतिनिधि सरकार में भेजिए, अपनी आवाज उठाइए और देश के लोकतंत्र के साथ जुड़िए। लेकिन अगर चुनाव के दौरान हिंसा हो गई तो? हिंसा नहीं होगी, ये मेरे लोग हैं और हम लोग सिर्फ गांधी जी के मूल मंत्र अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं। इसमें से कोई भी इंसान हिंसा नहीं करेगा, कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। आशा स्कूटे से ये क्लियर है कि तुमने नोला पर अटैक किया, उसे मारने की कोशिश की। तुम्हारा नोलो के साथ कुछ पर्सनल वेंडेटा था, सम काइंड ऑफ हिस्ट्री जो तुमने हमसे छुपाया, ये बात। सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर। अगर तुमने कुछ नहीं किया सो टेल मी समथिंग एंड ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू मी। नोला को खाना देना फाजिया की ड्यूटी थी, लेकिन फिर भी तुमने फाजिया से जबरदस्ती करके खाना लिया और जाके नोला को खिलाया। एंड इट्स क्लियरली विजिबल कि नोला की डेथ खाना खाने के बाद ही, क्योंकि खाने में जहर मिला था, वो खाना जो तुमने उसे दिया। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, उसने वो मुझे बहुत कुछ बोल रहा था। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ किड। We all are professionals here, okay? ये तुम्हारा बचपन है ना, रवि के साथ चलेगा। Let me tell you, it's not going to work on me. You're suspended. You can leave. Sir, please. Just leave. आशा कैसी है? फॉरेंसिक में तो पता लगा है कि साइनाइड से डेथ हुई है नोला की। खाने में साइनाइड था और खाना आशा ने सर्व किया था, ये भी है। तो दीज आर द फैक्ट्स। लेकिन जब मैंने आशा से बात की, आई फील शी इज इनोसेंट। बट जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू ऑल दिस? तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है ना, सो टेक रेस्ट। नो देख, ऑफिस का डेस्क इज बेटर देन डॉक्टर्स रेस्ट। हॉस्पिटल इज नॉट माय कप ऑफ टी। यार शिल्पा को बताओ ये बात, बड़े आए। यू आर नॉट कमिंग टू द ऑफिस, ओके? यू हैव टू टेक रेस्ट। हाँ ये बात अलग है कि ऑनेस्टली यार चाय में मजा नहीं आता तुम्हारे बिना। तो आ रहा हूँ ना, बहुत जल्दी चाय साथ में पीते। क्यों रोके? क्या ओके? एक तो ऑफिस में नाटकर्णी को झेलो और फिर घर जाके वो विक्रम को। हाँ लेकिन उसमें तो चार प्लेयर्स चाहिए ना। ये लो पार्वती आ गई। मम्मा, हमें अपना फोर्थ प्लेयर मिल गया। प्लीज बी माय पार्टनर, प्लीज 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 प्लीज। किस चीज में पार्टनर? पापा ने मुझे कार्ड गेम खेलना सिखा दिया। एक गेम है जिसमें दो प्लेयर्स होते हैं। पापा दादी की टीम है और आप मेरी टीम है। पिटू, मम्मी को ना जल्दी से सोना है। मम्मी नहीं खेल सकती आपके साथ अभी। क्यों आगे नहीं खेल सकती यार? मेरी लेट नाइट फ्लाइट है तो मैं नहीं खेल पाऊंगी। फ्लाइट? मम्मा वेयर आर यू गोइंग? मैं ना दिल्ली जा रही हूँ, कुछ काम है। काम के लिए तो मम्मा को जाना चाहिए ना। अच्छी बात होगी ना, समझ जाओ। इट्स ओके मम्मा, यू गो एंड टेक अ रेस्ट। थैंक यू। कम हियर बेटा। व्हाट? मम्मा इज गोइंग? यस। बट पापा इज हियर नो। आई बी देयर। कार्ड गेम विद यू, ओके? पार्वती, थोड़ा अनफेयर नहीं है तुम्हारे मौसम विभाग वाले? मतलब सुबह से रात तक काम करो और
And we're suddenly a late night Delhi flight. They must be missing their kids, no? Like, Khushi misses you. Khushi? Yes? Cool, thanda thanda pani ka hai aaj? Nahi malum. Lekar aao mamma ke liye. Okay, I'll get it. Thank you. Welcome. काफी मिस करती है खुशी मुझे, जैसे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। पर मैं अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ ना एक जेल रिटर्न बाप को अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का। एंजॉय करो, अपॉर्चुनिटी है। मम्मी दूध दिया खुशी को या आज भी उसने वैसी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वही सब खाया पिया है? कोई नहीं, मैं देती हूँ। You play well. राम, हाँ, पार्सल आया आपका दिल्ली से। ठीक है, टोकन। एक मिनट। ये लो। ओके। गिन लीजिए। नहीं, ठीक है, तुम जाओ। ये पीआई देवी शंकर त्रिपाठी। उधर है सर। जी त्रिपाठी जी। जी आरती शर्मा, ह्यूमन राइट्स कमीशन। अरे मैडम, आप तो दोपहर में आने वाली थी, सुबह कैसे आ गई? अरे मानवाधिकार से आरती मैडम आई है, चाय नाश्ता लेकर के आओ, चलो। अचानक ही आना पड़ता है, नहीं तो आप तो तैयारी से बैठेंगे ना। अरे मैडम, पता होता तो आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम तो करके रखते ना एटलीस्ट। त्रिपाठी जी, पता लगा है कि दो लड़कों को आप गलत आरोपों में पकड़ के लाए यहाँ पे। अरे मैडम, वो कोई दो आम लड़के नहीं है, मुजरिम है। उन पर आरोप भी लगे हैं और उन पर धाराएं भी लगी हैं। तो मुजरिम है या मुलजिम या आप डिसाइड करेंगे, फिर कोर्ट कचहरी किस काम की रह गई? अरे मैडम, अरे आप टाइम पास मत कीजिए, फाइल दिखाइए मुझे सीधे। जी जी। अरे अब्दुल, फाइल लेके आओ। मैडम, दिल्ली में सुबह सुबह पराठे बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, बताइए गोभी का खाना पसंद करेंगे या आलू का? ये पराठों का तो पता नहीं, मक्खन आप बड़ा अच्छा लगाते हैं। अरे मैडम, आप मुझे फाइल दिखाइए, पेट मेरा उसी से भरेगा आज। ये लीजिए, आ गई फाइल। पेपर वर्क ठीक से किया है आप लोगों ने? जी मैडम। क्या है, कितनी लंबी धाराएं लगाई आपने? मतलब बेचारे गरीब है तो आप लोग कितना भी जुल्म कर देंगे उन पे? अरे मैडम, मौका है वारदात पर जो जो हमें सबूत मिले उसके बिना पे हमने इन पर धाराएं लगा दी। कहाँ है वो लड़के? मुझे इन लड़कों से बात करनी है। अरे मैडम, तुम दोनों सीधे बैठो, मानव अधिकारी से मैडम आई है। क्या नाम है तुम दोनों का, बताओ? सुरेश। सुरेश। नथु। नथु, ये ठीक व्यवहार कर रहे हैं तुम्हारे साथ कि नहीं? यहाँ पर नहीं, चाय लाओ। क्या आप चाय चाय करे जा रहे हैं? इनको चाय नाश्ता पूछा है? पानी पूछा है इन्हें? आप पानी पिलाया है इन्होंने आपको? मैडम, खाली पानी पे पानी पिलाए जा रहे हैं, मुतने तक नहीं दे रहे हैं। क्या, क्या 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 कर रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं, ये क्या व्यवहार है आप बताइए? SHO याद है आपको, जानकी नगर वाले? उनकी मैंने वर्दी उतरवा दी थी, इसी तरह का व्यवहार कर रहे थे वो अपने कैदियों के साथ में। आपने मेरा नाम सुना है ना? आपकी वर्दी हटवाऊं मैं? तो क्यों पंगे ले रहे हैं आप? चलिए लेकर जाइए इन्हें वॉशरूम में, चलिए चलिए खोलिए आप। और आप घूर घूर के तो ना देखिए इन्हें, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूँ। चलिए चलिए, आप इनको लेकर जाइए जरा वॉशरूम। अरे बाथरूम जाना तो बोलना चाहिए था ना। आप डराइए मत, आइए।
पूरा पराठा खाओ, कितने भूखे थे तुम लोग। ये लो बिस्किट खाओ, खास मंगवाई है। नहीं। अरे लो लो। धन्यवाद मैम। नहीं। क्या धन्यवाद कर रहे हो, तो हमारा काम ही है। हाँ गलत किया ना इन लोगों ने, बहुत बहुत मार पिटाई की है तुम लोगों के साथ में, और तुम लोग ने मुंह नहीं खोला अपना। बताओ तुम्हारा चेहरा छप गया है हमारे दिमाग में। मैडम मेरा नहीं, नौकरी पे रहना है तो क्यों नहीं इकरारी पे खड़े हो, बात कैसे करेंगे वो हमसे। निकलो निकलो, बताओ। देखो भैया खुलकर बात करो हमसे, ठीक है। बहुत मारा इन लोगों ने तुम्हें। हाँ ये कितनी चोटें आई हुई हैं तुम्हारे को, गाल पे, नाक पे, ये सब इनके मारने से लगी इतनी चोट। नहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पर एक्सीडेंट में तो इतना नहीं टॉर्चर करते है ना, तुम बाथरूम तक नहीं जाने दे रहे थे, बताओ। हाँ। नहीं, कुछ तो हुआ होगा, क्या तुम लोगों ने क्या किया है, क्या हुआ। मैम हमारी गाड़ी में पुलिस वालों को पैसे मिले थे बहुत, हमने उन्हें बोला कि वो पैसे हमारे नहीं है, फिर भी हमारी एक भी नहीं सुनी, हम दोनों को बहुत मारो। पर एक बात बताओ, गाड़ी कहीं से आ रही थी, तुम लोग ड्राइव कर रहे थे और कहीं को ले जा रहे थे ना, तो किसी का तो पैसा होगा ना जो कि तुम यहाँ से वहाँ ले जा रहे थे। अब मुझे बताओगे तब तो मैं तुम लोगों को निर्दोष साबित कर पाऊंगी ना, नहीं तो मैं कैसे करूंगी। बताओ किसको बचा रहे हो तुम लोग, किसका नाम नहीं बता रहे हो। बिल्कुल नहीं पता। ये क्या तुम इशारे किए जा रहे हो तब से, जिन लोगों को तुम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हो ना वो तो सेफ है, समझ रहे हो। बताओ मुझे, मैं आयोग से हूँ, मैं अच्छा वकील करूंगी तुम लोगों के हित में। हाँ। क्योंकि मैं समझ रही हूँ तुम लोग गरीब लोगों को कर लिया होगा जो भी पैसे वैसे के लिए, वो क्या होगा। देखो जेल तो जाना पड़ेगा, दो महीने चलेगा। हाँ, बस 2 महीने। हाँ? तो 14 साल नहीं, मैं 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए भेजूंगी और फिर निकलवा लूंगी मैं। तो मैं ऐसे लोगों से तुम्हें बचा सकती हूँ, वो लोग जिनसे तुम लोग डर रहे हो उनसे तो मैं बचा ही लूंगी। मैं दीदी जैसी हूँ, सब मुझे दीदी दीदी बोलते हैं, तुम भी दीदी कहो, भाइयों की तरह बात करो। ठीक है, ठीक। बताओ किसका पैसा था, कहाँ जा रहा था, फिर तुम लोग निर्दोष कहलाओगे। चल तो चीफ ड्राइवर का नाम नथु है, उसके साथी का नाम सुरेश है, और दोनों ने मिलकर कन्फेस किया है कि वो लोग एक हवाला ऑपरेटर के लिए काम कर रहे थे जो कि नई दिल्ली से ऑपरेट करता है, उसका नाम भूषण है। Have you located Bhushan yet? जी जी जी, हमने उसके ऑफिस और घर पे दोनों जगह रेड मारी है, वो एक जूलर है। उसने कुछ बोला है अब तक? हाँ, उसने कन्फेस किया है कि वो बहुत ही हैवीली इन्वॉल्व था हवाला में। इनफैक्ट वो कई बार महाराष्ट्र काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट्स हवाला कर चुका है अब तक में। किसे, कहाँ? ये महाराष्ट्र में गढ़चिरोली, वहाँ पे अखंड मानव महासभा AMM पार्टी को गया है पैसा। सुहाश आचरेकर्स AMM? यस चीफ, मैं तो खुद यकीन नहीं कर पा रही हूँ, सुहाश आचरेकर, हिम, मतलब जैसे लोग आमचा नाना बोलते थे, कितना अच्छा रेपुटेशन है उनका, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है। बट द पॉइंट इज, पार्वती आचरेकर को इतना पैसा क्यों चाहिए? ये हमें सुहाश आचरेकर से पूछना चाहिए। राइट, ओके, तुम अभी क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर प्लान नाउ? नो प्लान चीफ, सारा का सारा काम हो गया यहाँ पे, नाउ तो आई जस्ट वेट, रात के 1:15 की फ्लाइट है, तो तब तक आई किल टाइम, कुछ भी नहीं है। रात का 1:15 फ्लाइट, व्हाई, व्हाई आरंट यू टेकिंग द नेक्स्ट फ्लाइट, व्हाई वेस्ट टाइम? चीफ वी कांट वेस्ट मनी, नाटकर्णी जी का कहना है कि हमारा 15% सक्सेस रेट है, तो हमें पैसा बचत करना पड़ेगा, तो लेट नाइट फ्लाइट्स ही मिल रही हैं हमें तो। लीव नाटकर्णी टू मी, यू टेक द नेक्स्ट फ्लाइट, शाम तक मुंबई पहुंच जाओगे। मीनवाइल आई विल फाइंड आउट इफ समबडी कैन हेल्प अस। थैंक यू चीफ। जयंत सर, कोई खबर? नोला के मरने से क्या ही फर्क पड़ना है सर, सब कुछ वैसे की वैसे ही है, उसकी जो औरत है ना लीमा, उसने उसकी जगह ले ली है सर। अच्छा, इतनी जल्दी वो वहाँ पहुँच भी गई? हाँ सर, बड़ी तेज औरत है वो, उसने तो नोला का सारा बिजनेस अपने हाथों में ले लिया सर। पर हमने नजर रखी हुई है उस पर। और कोई खबर? अभी तो नहीं सर, लेकिन जैसे कुछ और खबर मिलता है मैं आपको फोन करता हूँ। जयंत सर। अच्छा ठीक।
रेस्ट की जरूरत सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे फोन को भी है। अब ये फोन मेरे पर्स में रहेगा, तुम डिनर करोगे, चुपचाप सो जाओगे लाइक अ गुड बॉय। चलो तुम्हारा फोन दे दो। अच्छा, वो भी अभी हटा दूंगी। अब मैं उठता हूं। चलो। फोन फोन फोन। देखिए आप ही हमारा सहारा, आप मेरे भाई को छुड़ा देना। नाना नाना, मेरे भाई बहुत अच्छा लड़का है, वो कल ही दिल्ली से वापस आया है। वो गीता, मैं संभाल लूंगा। नाना देख लेना आप। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? अजिंक्य। अरे सर, वो अजिंक्य नाम का जो लड़का है उसके साथ में क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों उसको बंद रखा है? देखिए नाना जी, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ सकता। क्यों? इसने पुलिस पे हाथ उठाया, धक्का मारा है। माफ करना नाना जी, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप हमारे आदिवासियों के साथ में क्या क्या करते हो मुझे अच्छी तरह से पता है। ठीक है, क्या बात कर रहे? आप पहले उस लड़के को छोड़िए। चलिए, आपकी गारंटी पर लड़के को छोड़ देता। लेकिन सर, बस जब तक ये केस चल रहा है तब तक लड़का शहर के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मेरी गारंटी, छोड़िए उसे। काले छोड़ा दे। ए, चलो। चलो आ जाओ। बस बस बस, चल खुश रहो। अरे तेरी बहन इंतजार कर रही है। मारा तो नहीं तुझे? नाना तुमसे खूब खूब उपकार, अगर आज अपने बच्चा नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। नायक, क्या जरूरत है तुझे पुलिस वाले से भिड़ने की? अरे आज तुझे नक्सलवादी बोलकर पुलिस में लेके गए थे, कल तेरा नकली इनकाउंटर करके मार दे तो कहां जाऊंगी मैं, बता। कुछ नहीं, तू दिल्ली वापस चला जा, चला जा दिल्ली वापस। तू कहां जाऊंगा मैं? वहां दिल्ली में हॉस्टल बन गए, रहने के लिए जगह नहीं, तभी तो तुम्हारे पास आया था दीदी, कि यहाँ रहकर तुम्हारे साथ कुछ काम वाम ढूंढ लूंगा, अगर बच्चों को पढ़ा लूंगा और कुछ नहीं तो गुजारा निकल जाएगा मेरा। और किसने? मत रहे, मत रहे यहाँ पे। अगर यहाँ पे रहा तो और रेडी करते रहेगा तू। तू चला जा यहाँ से। फिर मुझे वहीं रहने दी थी ना पुलिस स्टेशन में, छुड़ा के क्यों नहीं? हाँ, मैं क्या कर रहा था? नौकरी ढूंढ रहा था, पुलिस वाले आए मेरे को जबरदस्ती वहां से भगाने लगे। और मुझे कुछ नहीं सुना, मैंने बोल दिया तो बोल। कहाँ जाऊंगा दीदी मैं? गीता घबरा गप। अच्छा बेटा, तू बच्चों को पढ़ा सकता है? हाँ मैम। ठीक है, कल से मेरे आश्रम के बच्चों को पढ़ाना चालू कर, और वहीं पे रहना, वहां पे तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर तेरे को मंजूर है तो हम आए। अरे बस शुक्रिया ना। बस बस बस। Let's go. My big girl. Mama, फिर से busy हो गए हो? You're not spending some time with your खुशी? Papa बहुत अच्छी story सुनाते। तो आप पापा से story सुन लो। Mama तो भी बहुत busy है। Please Mama, सुनो ना पापा के stories। Okay खुशी, lie down। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। Okay? खुशी एक बार ना एक किंग और एक क्वीन थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए। बेचारा किंग जब भी क्वीन के बारे में सोचता है ना, सैड हो जाता है। फिर एक दिन अचानक क्वीन को पता चल जाता है कि किंग बहुत बुरा इंसान था। बुरा इंसान था? ग्रीडी था। बहुत ग्रीडी। बहुत ग्रीडी।
उसने कई लोगों के साथ काफी बुरा बुरा किया। It was like a monster. Monster. इसलिए क्वीन ने सोचा कि वह किंग से जितना दूर जाए उतना सबके लिए अच्छा होगा। और क्वीन दूर चली गई। She was stronger than this. मम्मा, आप कहाँ जा रहे हो? मम्मा को पढ़ाई करनी है तो मैं बाहर जाके पढ़ाई करती हूँ, ठीक है? ओके मामा। पर आप पापा से कहानी सुनो, ये पापा कहानियाँ बहुत अच्छी बनाते हैं। कंटिन्यू करें? यस। ये देख, ये तेरा रूम है, इधर तुझे चाय नाश्ता खाने को पीने को सब मिलेगा, लेकिन नाना के बाद हर वक्त मानना पड़ेगा, है ना? और तुझे जो भी लगेगा मुझे बता देना। मुझे बता, तुझे इसका शौक तो नहीं है? नहीं भाऊ, माँ कसम। सच्चा बता? हाँ हाँ। नहीं है तो ठीक है, लेकिन होगा भी तो इधर नहीं चलेगा, और यहाँ बाहर घूमने का नहीं रात को, है ना? बहुत डेंजर इधर। ठीक है बाबू। आराम से बैठ, तुझे जो करना कर, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन यहाँ से बाहर जाना मत ज़्यादा। ठीक, अभी तो आराम कर, है ना? हाँ चल आराम कर। थैंक यू बाबू। वेलकम होम रवि, चलो आराम से आराम से, ये सब मैं कर लूंगी। मैं उठा लूँ? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं उठाना है, सब मैं करूंगी, तुम्हें बस आराम करना है। आओ बैठो, अब तुम आराम करोगे और सारे काम मैं करूंगी और तुम्हें ठीक करूंगी जल्दी से। पैर ऊपर करके बैठना है, ये लो, तुम बस चिल करो, सारा मुझे छोड़ दो। मेरी बात सुनो, मैंने सब प्लान कर लिया रवि, एक वीक के अंदर अंदर ना तुम्हें एकदम फिट कर दूंगी मैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है, अच्छा खाना पीना है और ठीक होना है, बस तुम कोऑपरेट कर लेना यार। शिल्पू, मैं सोच रहा था मैं 2 घंटे के लिए ऑफिस होकर आऊं। मजाक कर रहे हो? नहीं देख, इफ यू वॉन्ट मी टू फील बेटर, अगर मैं हील जल्दी हो जाऊँ तो यही चाहती है ना? मैं ऑफिस जाऊँगा, मैं नॉर्मल फील करूँगा तो वो मुझे हेल्प करेगा ना, तो मैं थोड़े टाइम। आई डोंट बिलीव दिस रवि। नहीं मतलब अभी तुम घर घुसे हो बैरली और तुम ऑफिस जाने की बात कर रहे हो। शिल्पू मैं भागा दौड़ी नहीं करूंगा, डेस्क पर ही बैठा रहूंगा। देख मैं चीफ को अभी फोन करके बोलता हूँ, मैं डेस्क से हिलूंगा नहीं और तुझे ये सब खाना मुझे। शट अप रवि, डेस्क पर भी। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? मजाक कर रहे हो? अरे चुप रहो तुम यार, इतने दिन से हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हुए थे तुम, यू हैव एनी आइडिया व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू? पर यहाँ आते ही तुम बोल रहे हो कि तुम्हें डेस्क जॉब करनी है, हैं? मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ ज्यादा जरूरी है। और बीमार तुम चुप रहो, बीमार रहोगे तुम, तुम्हें मैं हिलने नहीं दूंगी जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। और कौन सी डेस्क जॉब लगा रखी है? इतने सालों से जो मेरा पागल बना रहे थे, मौसम विभाग वो वाली डेस्क जॉब की बात कर रहे हो ना तुम? तो तुम्हारे लिए मौसम विभाग का झूठा सर्टिफिकेट है ना, बैठ जाओ प्लीज जाके। मौसम विभाग ऑफिस जाने देना। मम्मा कैसी है? मैं ठीक हूँ। ये बैग कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? होटल से आ रहे हैं मम्मा। होटल से आ रहे हो, मतलब तुम दोनों? हाँ रात को होटल में ही रुक गए थे एक्चुअली हम। पर क्यों होटल में क्यों? अरे मम्मी जी पेस्ट कंट्रोल करवाया था कल, चींटियाँ हो गई थी मम्मी जी, कॉकरोच और चींटियाँ, इस वजह से रात में फ्यूम्स बहुत हो गए थे ना, तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आप आइए ना बैठिए। तो मतलब
पेस्ट कंट्रोल करवाया, तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, तो मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ तो उसके साथ गड़बड़ी चलती रहती है। कभी बोलती है मेरा नल लीक कर गया, कभी कहती है मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मैं आई नो मम्मा, पिछले इतने दिनों से ना बड़ा ही कुछ चल रहा है, बहुत हैसल। रवि ये क्या हो गया भाई? अरे ये एलर्जिक रिएक्शन हो गई चींटियों के काटने से। इस वजह से तो पेस्ट कंट्रोल करवाया था ना, है ना शिल्पू? हाँ, इस वजह से तो फ्लेयर अप हो गया। डॉक्टर के पास गए थे मम्मी जी, दवाई ले रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा दिख रहा है, इतना है नहीं, स्क्रैच किया है ना इसे। अरे मम्मी जी आप फिक्र मत कीजिए, ये सब होता रहता है, हम घर की साफ सफाई बहुत रखते हैं, शिल्पू तो खास करके। अब देखिए ना, ये अभी सर्टिफिकेट साफ करी थी मेरा, वो देखो सर्टिफिकेट, जा रख दे शिल्पू। शिल्पा तू तो पहले ना कुछ घर के लिए करवा, कोई पूजा वूजा, मुझे तो कुछ लग रहा है ऐसा ना करानी चाहिए। अरे करा लूंगी मम्मा। हाँ, कभी कुछ चलता ही रहता है तेरे साथ, होता और थोड़ा अपना बचाव रखो, डेंगू पता कितना चला हुआ है आजकल। हाँ बिल्कुल, शिल्पू तो बहुत अच्छा ख्याल रख रही है मेरा, है ना। अरे मम्मी जी कुछ दे ना। तुम बैठो, दो मिनट के लिए बैठो, चलो पानी ले आओ, पानी पिला। पानी क्या, कुछ खा लीजिए ना शिल्पू, बना लेना कुछ। लेकिन शिल्पू जो भी बर्तन यूज करेगी ना उसे बराबर से धो के यूज करना, पेस्ट कंट्रोल करवाया था ना। अब मम्मी जी मैं ना थोड़ी देर ऑफिस होकर आता हूँ, आप लोग बैठिए। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चे। शिल्पा तू तो सबसे पहले मुझसे ना नंबर ले ले पंडित का। रवि कहाँ है? रवि तो ऑफिस गए ना। हाँ ऑफिस, जाइए सर। हाँ तुम्हारे मिस कॉल से। जी सर, आपको ना लीमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी सर, वो बहुत ही खतरनाक है सर। सच में वो खतरनाक? हाँ सर, नोला तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। एक्चुअली सच बात तो ये है कि लीमा एक चाइनीज एजेंट है सर। सात एकम, शाबाश, सात दुनी, शाबाश, सात दिया, इक्कीस, सात चौक, कितना? ईडी से आए हैं। कशाला नाना से मिलना है। वारंट आएगा? है, बोलो मैम आई है मिलने के लिए। सात सत्ते, सात सत्ते, उनचास, शाबाश, सात अट्ठे, छप्पन, मैम चलिए। यस जी, मेरे एसेट ने यह भी बताया कि नॉर्थ ईस्ट से एक आर्म्स की कंसाइनमेंट गढ़चिरौली के लिए निकल चुकी है। नो, अब अगर मैं अभी नागपुर की फ्लाइट ले लूं और वहां से बाय रोड गढ़चिरौली ट्रैवल करूं तो आर्म्स के कंसाइनमेंट को मैं इंटरसेप्ट कर सकता हूं। और वहां से सीधा अस्पताल पहुंचने का इरादा है तुम्हारा? रवि डोंट फॉरगेट दैट यू हैव जस्ट बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। चीफ आई एम कंप्लीटली फाइन, पर डॉक्टर्स मुझे डिस्चार्ज नहीं देते, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं हुआ है मुझे, करो चाहिए। ओके फाइन, थैंक यू चीफ। सुनो, Parvati has already left for Nagpur, so keep in touch with her. I will, chief. Take care. Be careful. All the best. जी आचरेकर साहेब, तो मैं राधिका सिंह हूँ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से। देखिए मैं आपसे पढ़ाई सीधा सवाल पूछने आई हूँ। हमें खबर मिली है कि अखंड मानव महासभा जो कि AMM आप लोग की संस्था है, इसमें हवाला का पैसा आता है। बस मुझे जानना है कि आप लोग का क्या संबंध है हवाला के साथ? लीजिए चाय आ गई। ठीक, गुड़ की चाय है, लीजिए। जी लेती हूँ। देखिए हमारी जो ये संस्था है वो यहाँ के आदिवासियों के लिए काम करती है,
बच्चों के उत्थान के लिए, विधवाओं के उत्थान के लिए काम करती है। हवाला से हमारा कोई संबंध नहीं है। वैसे हमारी संस्था और आश्रम का जो फाइनेंस वगैरह है वो मेरी बेटी दर्शना देखती है। अच्छा, नमस्ते। नमस्कार। तो आपको जो भी सवाल पूछने हैं दर्शना आपको बता देगी। बेटा देखिए मैडम, हमारा सारा काम डोनेशन से ही चलता है, लेकिन मतलब वो सब छोटा मोटा होता है। इसका हवाला जैसे बड़े रैकेट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो कैश वैश आता होगा, टैक्स के बिना कुछ ट्रांजैक्शन होते होंगे। हाँ होते हैं, पर वो बिल्कुल ना के बराबर है। और हम सारी चीजों की रिसीट रखते हैं, अगर आपको चेक करनी है तो आप सब चेक कर सकते हैं। कैश का कौन रसीद रखता है बताइए, आप लोग रखते हैं? मैडम क्या है ना, मेरे बाबा आदिवासियों के लिए काम करते हैं, मरे हुए नक्सलियों की विधवाओं के लिए उनका रोजगार देखते हैं, उनके बच्चों का शिक्षण सब कुछ देखते हैं। पर ये सब जानते हुए भी गवर्नमेंट को अगर प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तो उन्हें करने दो। अरे हाँ, मतलब आपको नाराज होगी। देखिए हम यहाँ पे आपको परेशान करने नहीं, हम लोग अपने अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं भाई। शान 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 बेटा, देखिए क्या है, मेरी बेटी है तो उसमें भी मेरा ही खून है। जब ईमानदारी पे सवाल उठते हैं तो वो खून खौल उठता है, इसलिए उसकी ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारी जो संस्था है वो यहाँ के नक्सल प्रभावित एरिया के जो आदिवासी हैं उनके लिए काम करती है, जो नक्सली मारे जाते हैं उनके परिवार के लिए भी काम करती है, जो विधवाएं हैं उनके उत्थान के लिए, बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए। हमारी संस्था का उद्देश्य एक ही है कि इन सब लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना। फिर भी आपको जो भी सवाल पूछने हैं, जो भी अकाउंट्स वगैरह चेक करने हैं, वो दर्शना आपको दिखा देगी। ये ना कितना आसान था, मुझे तो यही चाहिए। मतलब हम अपना काम कर रहे हैं, आप पेपर दिखा दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। आप आइए, मैं दिखा देती हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। दिस वे। ये हमारा अकाउंट्स रूम है, आपको जो जो देखना है देख लीजिए। शाम। हाँ मैडम। या मैडम आले, मैडम आपको जो भी चाहिए होगा शाम से पूछिएगा। शाम है ना, सगड़ा दाखाओ आपले पेमेंट रिसीट सगड़ा सगड़ा। ओके मैडम। पंडित जरा मदद करा है ना। हो। आइए मैम। आइए। मैं चाय भिजवा देती हूँ आपके लिए। ये चेक कीजिए जी। मैम वो अपना कंप्यूटर दिखाना, अलमारी में देखो क्या है। जी मैम दिखाता हूँ मैडम। हाँ वहाँ के पेपर्स चेक करो। किधर से आया तू? नाम क्या है? विवेक लामा सर। विवेक लामा, और तेरा? भरत। भरत रोबियो। हाँ गाड़ी चेक कर। हाँ सर। तो हथियार का जखीरा है। सर वॉल के अंदर बहुत सारे हथियार छुपा रखे हैं, अभी कई तरह के LMG, रॉकेट लॉन्चर और भी कितने पता नहीं। तेरी गाड़ी में क्या है तुझे मालूम है ना? मालूम है ना कहाँ लेके जा रहा है? ए बोलना, वरना इधर ही मार के फेंक दूंगा जंगल में। सच में मारेगा ये? कहाँ लेके जा रहा है? गढ़चिरौली सर। गढ़चिरौली किसके लिए?
किसके लिए? ANM सर, अखंड मानव महासभा। जी सर।